आज हमारे पास है एलईडी म्यूजिक बल्ब जो कि ब्लूटूथ पावर्ड है। इस बल्ब की खास बात यह कि ये कलर चेंजिंग भी है। इसकी नॉर्मल लाइटिंग जो है वो है व्हाइट, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें अलग अलग कलर हो तो आप इसमें रेड, ग्रीन, येलो, पिंक कोई भी कलर लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। साथ ही साथ ये रिमोट जो दिया गया है वो एक कंट्रोलर है लाइट को चेंज करने का। सिंपल सा बता दूं दोस्तों, तो ये एक जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लुकिंग बल्ब है, इसमें एक स्पीकर दिया गया है जो कि आप लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं विद ब्लूटूथ पावर्ड है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा, और इसकी क्वालिटी मैं थोड़ा सा बता दूं, बिल्ड क्वालिटी जो है जो आपकी ऑर्डिनरी जो एलईडी बल्ब आती है उसी की तरह है, बस टॉप पे यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है, बाकी अलग कुछ भी नहीं है, ठोस है, काम का है। और लाइटिंग वगैरह कैसा है पूरा इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको अपने होल्डर पे लगा दिया है और इसको मैं अभी ऑन करने वाला हूँ। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बैटरी से नहीं चलता, डायरेक्ट करंट से चलता है, तो प्लीज होल्डर पे लगाएं। और हाँ, ये मैंने सीधा सीधा लगाया है, लेकिन आप कोशिश करिएगा इसको नीचे की डायरेक्शन में फेस करता हुआ लगाएं, ठीक है, तभी आपको इसका ज़्यादा अच्छा इंजॉयमेंट मिलेगा। फिर भी लुक वगैरह अभी आपको पता चल जाएगा कैसा है, विद साउंड क्वालिटी भी मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, मेरे हाथ पे रिमोट है, ठीक है, और मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको रिमोट वगैरह सब कुछ दिखा सकूँ। तो ये कुछ इस तरीके का है, और मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये किस तरीके का लुक दे रहा है। सबसे पहला नंबर आता है ऑरेंज का, तो मैं ऑरेंज का बटन प्रेस करूँगा, रिमोट पे आपको ये दिखेगा नहीं लेकिन मैं ऑरेंज दबाने वाला हूँ, तो ये ऑरेंज कलर हो गया है। अब मैं दबाऊँगा दोस्तों ग्रीन कलर, तो कैसा लग रहा है, सॉरी मैंने शायद ब्लू दबा दिया है, हाँ तो मैंने ब्लू दबाया, अब मैं ग्रीन कलर दबाऊंगा। ऐसे दोस्तों बहुत सुंदर है, बाकी मैं रैंडमली कलर बटन दबाता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अंधेरे में खुद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर है और काफी बढ़िया लग रहा है। पिंक कलर दबाया दोस्तों मैंने, येल्लो दबाता हूँ, पर्पल, वाव, ठीक है, ये ब्लू, ये और उससे ऊपर, ये उससे भी ऊपर। दोस्तों कलर चेंजिंग तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है। अच्छा, इसमें एक फीचर है फ्लैश का, तो ये है वो फ्लैश, जैसे नॉर्मली ये कलर चेंज करेगा, ठीक है, अपने आप, कुछ भी मुझे दबाना नहीं पड़ेगा और अलग से कलर चेंज अपने आप होता रहेगा। अभी तो ये नॉर्मली आपको लाइट जो चेंजेस हो रहा है ये आपको नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार लाइट जला के आपको रिमोट के साथ ऑन करके दिखाता हूँ ताकि आपको फंक्शन जो है मोबाइल रिमोट के वो थोड़ा क्लियर दिखाई दे, अंधेरे में आपको शायद प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वीडियो में बने रहिए, मैं लाइट जलाता हूँ। अभी जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, पहले तो इसको ऑफ कर लेते, ये ऑफ का बटन मैं दबाता हूँ, तो ये ऑफ हो गया, अब मैं दबाऊंगा ऑन, सिंपल सा ऑन दबाते ही ऑन हो गया, और फ्लैश का बटन दबाते हैं, ठीक है, अब ये धीमे से बंद होगा, अलग अलग कलर जलेगा, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन आप देखिए, हाँ दोस्तों मैं आपको इसका एक स्टोर का फंक्शन है कुछ स्टोर करके, ठीक है, जो कि मैं कैमरे में दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये स्टोर का है और एक है फेड का। तो अभी स्टोर पे क्लिक करते हैं, तो स्टोर पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं तुरंत तुरंत इसका कलर चेंज हो रहा है। अब फेड पे क्लिक करते हैं, फेड पे आई थिंक ये थोड़ा सा डिम होगा, फिर ऑन होगा, डिम होगा, फिर दूसरा कलर चेंज होगा, ठीक है, इस तरीके का कुछ है। और अब बात करते हैं स्मूथ, स्मूथ में मुझे नहीं पता क्या होगा, स्मूथ पे क्लिक किया तो ये देखते हैं ये धीमे धीमे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब रेड दबाते हैं, ग्रीन, ब्लू, और ये ऑरेंज है शायद, ये ब्लू है और ये पर्पल है, ये मेरा फेवरेट कलर है पर्पल, फिर से पर्पल, थोड़ा डिप, हल्के पर्पल, और अब पिंक की बारी है। तो दोस्तों कलर फिलहाल जो मेरे बटन पे दबा रहा हूँ वही काम कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक कनेक्ट कैसे करना, उसके लिए मुझे एक दूसरा मोबाइल चाहिए होगा, वीडियो में बने रहिए, मैं अभी आपको इसमें कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा अपने मोबाइल के साथ, ठीक है। दोस्तों जैसे ही मैंने ब्लूटूथ ऑन किया अपने डिवाइस पे, इसने फाउंड कर लिया YJFZ करके, ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा
और जैसे ही क्लिक किया मैंने, इसमें एक हल्की सी आवाज आई, ठीक है, जो कि अभी आपको शायद सुनने को मिल गया होगा। खैर, अब मैं यहाँ से इसमें YouTube में कुछ वीडियोस मैंने छाट रखे हैं, तो उसको प्ले करूंगा, क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट का मसला होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं ट्यूनिंग वगैरह ही प्ले करूंगा, ठीक है। तो ये वाला है, अच्छा इसके साथ मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैंने फ्लैश दबाया है तो ये इस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। ये भी मैं दूसरा लगा देता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों अगर आप ये घर पे यूज करेंगे तो। अब कुछ अच्छा सा बजाया जाए। तो दोस्तों साउंड सुनने के बाद तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये मैंने एक काम जो होता है काम म्यूज़िक उसको लगाया है, रिलैक्सिंग एंड काम म्यूज़िक, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मिडनाइट के लिए ही यूज़ किया जाता है। और मेरी तरफ से तो बिग थम्स अप है। अगर आप चाहते हैं इसको बाय करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये अराउंड मुझे 300 समथिंग पड़ा है, और बहुत ही बढ़िया है मुझे अपने हिसाब से, बजट के हिसाब, पैसे के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगा। एक लाइट विद स्पीकर विद ब्लूटूथ कंट्रोलर विद अदर कलर्स, ठीक है, तो इतना तो बनता ही है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिए, और कमेंट जरूर किया करिए कि आने वाले वीडियो पे आपको किस टाइप के और प्रोडक्ट्स का रिव्यू चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।